सवाल ऐसा है कि जैन साधु जब महिलाओं के सामने जाते हैं और नंगे होते हैं, इसके बावजूद उनका इरेक्शन क्यों नहीं होता है, उनमें एक्साइटमेंट क्यों नहीं आता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी बात की हम अपने आप को आदत डाल सकते हैं। देखिए, किसी सुंदर स्त्री को आपने देख लिया तो आप जाकर उस पर झपटते हो क्या? नहीं झपटते ना, आम इंसान भी नहीं झपटता। इतनी सभ्यता तो सीख लेता है कि कोई स्त्री है जो बहुत आकर्षक लगे, इसके बावजूद मैंने सभ्यता से पेश आना चाहिए, दूर डिस्टेंस से रहना चाहिए, उसको धक्का नहीं मारना चाहिए, उसको झपटना नहीं चाहिए। तो ये सभ्यता आम इंसान जो सीखता है, सीखनी पड़ती है, उसी को सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। तो यही सभ्यता ये जैन साधु भी सीखते हैं। शायद शुरुआत में नए नए जब साधु बनते हो तो शायद तब होता होगा, इरेक्शन आता होगा, लेकिन तब वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते होंगे। धीरे धीरे अभ्यास, मेडिटेशन ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अलग अलग ढंग के सजेशन दे सकते हो, अपने बॉडी को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हो। यानी जब चाहे तब इरेक्शन लाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो, और सब लोगों के सामने इरेक्शन नहीं आना चाहिए इसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये जैन साधु अपने आप को अभ्यस्त कर सकते हैं और इस कारण उनका इरेक्शन नहीं होगा, इस ढंग से वो अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये संभव है, हर व्यक्ति के बारे में संभव है। आम इंसान को भी ये सीखना पड़ता है, तो वो तो साधु है, फिर कपड़े नहीं रहते हैं, इरेक्शन होगा तो सबको पता चलेगा, ये उनको पता है, इसलिए नेचुरली उस ढंग से वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के जरिए इस ढंग का ट्रेनिंग ज़्यादा इजीली संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।